Now next example, check the given number is multiple of 3 or multiple of 5 or multiple of 7. Means previous session में discuss किया था at a time किसी number को test कर रहे थे या फिर या तो 3 के लिए या 5 के लिए या फिर 7 के लिए, लेकिन इस केस में एक साथ तीनों ही केसेस में टेस्ट करना। अगर नंबर किसी भी गिवन वैल्यू का मल्टीपल है, मींस मे बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 7, देन डिस्प्ले कराएंगे सम मैसेज एज यस नंबर इज मल्टीपल, अदरवाइज नो नंबर इज नॉट मल्टीपल। इस केस में अगर बात करें फर्स्ट वन, अगर केवल 3 के लिए टेस्ट करना है, 3 के लिए लॉजिक क्या रहेगा, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 3 इक्वल इक्वल 0, इसका मीनिंग क्या है, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर एक कंडीशन ट्रू है देन 100% गिवन नंबर कैसा मल्टीपल ऑफ 3, क्यों इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 0 इक्वल इक्वल 0 इज ट्रू। सेम है अगर 5 के लिए टेस्ट करना है, 5 के केस में कंडीशन क्या होगा, नंबर मॉड्यूलो बाय 5 इक्वल इक्वल 0, अगर नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला देन नंबर कैसा होगा, मल्टीपल ऑफ 0। सेम है 7 के रिस्पेक्ट में टेस्ट करना है देन नंबर मॉड्यूलो बाय 7 इक्वल इक्वल 0, नंबर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देन अगेन नंबर कैसा हुआ, मल्टीपल ऑफ 7। देन अब इस केस में बोला क्या गया, मींस एट ए टाइम या तो नंबर 3 का मल्टीपल या फिर 5 या फिर 7, इनमें से किसी भी एक का मल्टीपल, मींस एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन डिस्प्ले क्या करा हुए, यस। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है देन इस केस में ऑपरेटर, मींस अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइंड करेंगे यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल के केसेस में मेनली टू लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। रीडल फॉर्म में चेक करो, इस केस में ऑल कंडीशंस ट्रू होना चाहिए और एनी वन, अगर ऑल कंडीशंस ट्रू होना चाहिए तो उस केस में क्या प्रोवाइड करो, लॉजिकल एंड। अगर एनी वन कंडीशन ट्रू है देन इस केस में इसको कंबाइंड किस करें, यूजिंग और, तो इस केस में क्या है और, इसलिए इसको कंबाइंड किस करें, भाई यूजिंग लॉजिकल और ऑपरेटर, बिकॉज लॉजिकल और ऑपरेटर के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है देन ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू यूजिंग इफ। इफ के केस में कंडीशंस क्या सप्लाई करें, गिवन देन, अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू देन डिस्प्ले कराएंगे इनसाइड बॉडी ऑफ इफ प्रिंट एफ यस नंबर इज मल्टीपल ऑफ आइदर 3 और 5 और 7, अदरवाइज एल्स ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले कराएंगे अदर मैसेज। अगर कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको प्रोवाइड होगा, एल्स ब्लॉक को, उस केस में एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा सकते हो एनी यूजर स्पेसिफिक मैसेज समथिंग नो और अदर केस। फाइनली इस केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अभी मैंने सिंपली लॉजिक्स प्रोवाइड किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल वेरिएबल्स कितने यूज किए, ओनली वन वेरिएबल नंबर, इसलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशंस। अगेन वेरिएबल डिक्लेरेशंस कितने रिक्वायर्ड, ओनली इंटीजर नंबर। नेक्स्ट वन सेकेंड स्टेप क्या, रीडिंग इनपुट्स फॉर अ गिवन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ, वी आर प्रोवाइडिंग सम मैसेज हियर एंटर नंबर और एंटर रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट वन क्या, इस केस में स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ के केस में सप्लाई क्या करेंगे, परसेंट डी देन रीडिंग इनपुट फॉर अ गिवन वेरिएबल्स लाइक दैट, मीन्स दिस इज द कंप्लीट लॉजिक्स फॉर टेस्टिंग गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5 और 7। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मेमोरी किसके लिए एलोकेट हो रहा है, वेरिएबल नंबर के लिए, देन स्कैनफ फंक्शन के रिस्पेक्ट में जब इस केस में सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशंस के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले हुआ है एंटर नंबर, वी आर सपोज दैट वी आर एंटरिंग सम नंबर, देन स्कैनफ के केस में प्रेस किया समथिंग नंबर एज फाइव, करंट वैल्यू असाइन किस में जाएगा, वेरिएबल नंबर में, और सपोज दैट मैंने एंटर किया समथिंग एज 35, और एनी नंबर लाइक 20, नंबर इज एंटर्ड एज 20, देन 20 करंटली असाइन किस में जाएगा, वेरिएबल नंबर में यूजिंग स्कैनफ। नेक्स्ट वन इफ कंडीशन टेस्ट करें, तो इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन नंबर क्या है, मीन सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन टेस्ट होगा,
और ऑपरेटर्स के केस में जनरल रूल क्या रहता है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन सेकंड कंडीशन इस केस में कभी टेस्ट होगा ही नहीं, या अदर कंडीशन टेस्ट ही नहीं होगा। फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में नंबर के प्लेस पर पुट करेंगे या वैल्यू ऑफ नंबर विच इज 20, तो उसका मीनिंग क्या होगा, 20 मॉडुलो 3 इक्वल इक्वल 0, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। 20 को 3 से डिवाइड करें देन इस केस में रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर क्या है इसका 2, 2 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन इज फॉल्स, मीन्स और ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में करेंटली फर्स्ट कंडीशन कैसा है इसका, फॉल्स, फॉल्स मीन जीरो। देन और के केस में सेकंड कंडीशन टेस्ट करें, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे, वैल्यू एज 20। नेक्स्ट वन, 20 मॉडुलो बाई 5 इक्वल इक्वल 0, 20 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, 0 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन रिप्लेस क्या हुआ इस प्लेस पर समथिंग 1। इस और के केस में सेकंड कंडीशन ट्रू फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, इन दोनों और ऑपरेटर से फाइनली, सॉरी फर्स्ट और ऑपरेटर से फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। फर्स्ट केस में ट्रू आ रहा देन ट्रू मीन्स 1, इसका सेकंड कंडीशन टेस्ट ही नहीं हुआ बिकॉज फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी कैसा है, ट्रू, मीन्स सेकंड कंडीशन टेस्ट करने की नीड ही नहीं हुई, प्लस ओवरऑल रिजल्ट ट्रू है इसलिए डिस्प्ले किया गया मैसेज है यस। सेम एज मीन्स करेंटली 20 ओनली मल्टीपल किसका था, ओनली 5 का, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, फिर भी इस केस में मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, कंडीशन ट्रू इसके अकॉर्डिंग प्रिंट एफ मैसेज एज यस। सेम एज अगर नंबर 35 प्रेस कर दें, 35 के केस में 35 3 से डिवाइड हो नहीं हुआ लेकिन 35 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा, लेकिन ऑलरेडी 5 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 7 से टेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली गेट्स पे जाएगा अगेन यस। बट सपोज दैट अगर मैंने कोई नंबर प्रेस किया लाइक नंबर एज 16 सबसे पहले किससे टेस्ट हुआ, 3 से, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 1, रिमाइंडर इज 1, 1 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन इज फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन कैसा है इस केस में, फॉल्स, देन सेकंड कंडीशन टेस्ट करें, दिस इज फॉल्स, सेकंड कंडीशन टेस्ट होगा 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, अगेन 1, 1 इक्वल इक्वल 0 दैट वन इज ऑल्सो फॉल्स। देन थर्ड कंडीशन टेस्ट करें, थर्ड कंडीशन के केस में क्या है, नंबर मॉड्यूल वाइज 7, 7 से 16 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 0, 2, 2 इक्वल इक्वल 0 अगेन कंडीशन फॉल्स, मीन्स तीनों ही कंडीशन फॉल्स है, देन इस केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ, बॉडी ऑफ एज, देन करेस्पॉन्डिंग मैसेज क्या डिस्प्ले होगा एज अ नो लाइक दैट। और सेम केस में क्वेश्चन कुछ स्टार्ट होता है, चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 7, और एंड के केस में इसका मीनिंग क्या है, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू, मीन्स नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, शुड बी मल्टीपल ऑफ 7, मीन्स अगर नंबर कोई भी गिवन नंबर तीनों का ही मल्टीपल है देन उस केस में डिस्प्ले क्या कराएंगे, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस केस में सारे के सारे कंडीशंस कैसे, मैंडेटरी कंडीशंस, मीन्स ऑल वन शुड बी ट्रू, अगर सारे कंडीशंस ट्रू होना चाहिए देन इस केस में कंबाइंड किससे करें, कंडीशन अगेन सेम है, मीन्स टेस्ट किससे करेंगे 3 से 5 से और 7 से, लेकिन इस बार कंबाइंड किससे करेंगे, एंड ऑपरेटर। एंड के केस में मीनिंग क्या हुआ, अगर गिवन नंबर 3, 5, 7 तीनों ही नंबर का मल्टीपल है देन ओनली क्या आएगा इस केस में, ट्रू अदरवाइज फॉल्स। पर इस प्लेस पर मैंने नंबर का वैल्यू प्रेस किया समथिंग 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 5 से भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स फर्स्ट केस में एंड का कंडीशन क्या आएगा, ट्रू, सेकंड केस में क्या, ट्रू, लेकिन थर्ड केस में अगर बात करें, थर्ड कंडीशन 15 को 7 से डिवाइड करना पॉसिबल है, मीन्स दैट वन इज फॉल्स, इस थर्ड कंडीशन ट्रू, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स बिकॉज ऑफ एंड ऑपरेटर। देन इस केस में क्या डिस्प्ले हो लाइक नो, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल केस टेस्ट करना पॉसिबल है।